ने 400 पार का टारगेट सेट किया है और जब ये नारा तभी सफल होगा जब दक्षिण में उन्हें फतेह हासिल होगी। और इस बार भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार प्रसार में उन्होंने तेजी ला ली है। और केरल की बात करें तो यहां दूसरे फेज में चुनाव होने वाले हैं, 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और कुल मतदाता की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केरल में कुल 20 सीटें हैं और एक ही दिन वोटिंग की जाएगी। इन 20 सीटों में से 18 जनरल कैटेगरी की सीटें हैं और 2 आरक्षित सीटें हैं। केरल में 28 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी, फिर 4 अप्रैल को यहां नामांकन का आखिरी तारीख है, 26 अप्रैल को मतदान होगा और फिर 4 जून को वोटों की गिनती होगी। 7 चरणों में आगामी लोकसभा चुनाव का क्रियान्वयन किया जाएगा और फिर 4 जून को घोषणा होगी, रिजल्ट आएंगे। और केरल की बात की जाए तो यहां 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और केरल में 20 सीटें हैं जिसमें 18 जनरल कैटेगरी की हैं और 2 आरक्षित सीटें हैं। ने 400 पार का टारगेट सेट किया है और जब यह नारा तभी सफल होगा जब दक्षिण में उन्हें फतेह हासिल होगी। और इस बार भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है दक्षिण भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार प्रसार में उन्होंने तेजी ला ली है। और केरल की बात करें तो यहां दूसरे फेज में चुनाव होने वाले हैं, 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और कुल मतदाता की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। केरल में कुल 20 सीटें हैं और एक ही दिन वोटिंग की जाएगी। इन 20 सीटों में से 18 जनरल कैटेगरी की सीटें हैं और 2 आरक्षित सीटें हैं। केरल में 28 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी, फिर 4 अप्रैल को यहां नामांकन का आखिरी तारीख है, 26 अप्रैल को मतदान होगा और फिर 4 जून को वोटों की गिनती होगी। 7 चरणों में आगामी लोकसभा चुनाव का क्रियान्वयन किया जाएगा और फिर 4 जून को घोषणा होगी, रिजल्ट आएंगे। और केरल की बात की जाए तो यहां 26 अप्रैल को वोटिंग होगी और केरल में 20 सीटें हैं जिसमें 18 जनरल कैटेगरी की हैं और 2 आरक्षित सीटें हैं।